गाय का गोबर, दूसरा है गाय का गौमूत्र, तीसरा है गाय का दही, चौथा है गाय का दूध और पांचवा है गाय का घी। तो इस तरह से पांच चीज़ों के माध्यम से, पांच चीज़ों को मिला करके हम पंचगव बनाएंगे। के लिए सबसे पहले हम 5 किलोग्राम ताज़ा गोबर लेते हैं और उसमें 0.5 किलोग्राम गाय का घी मिलाएंगे। तो ये गाय का घी है और दोनों हाथ से मिलाइए। 5 किलो ताज़ा गोबर में 0.5 किलो गाय का घी हमने मिला दिया। अब ये जो मिक्सचर है इसको 4 दिनों के लिए हम छोड़ देंगे और प्रत्येक दिन कम से कम दिन में 3 बार इसी तरह से दोनों हाथों से इसको मिलाएंगे 4 दिनों तक। और इसमें अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले गौमूत्र डालेंगे 3 लीटर। तो ये गौमूत्र है और गौमूत्र भी ताज़ा होना चाहिए। इसमें 3 लीटर गौमूत्र डाल दिए। अब इसमें 2 लीटर गाय का दूध डालना है। इसके बाद इसमें 2 किलो गाय का दही, और इसके साथ ही इसमें 3 लीटर डालना है नारियल, जो कच्चा नारियल होता है उसके डाब का पानी। अब ये 3 लीटर नारियल का जो पानी हमने निकाला है अब इसको इसमें मिलाएंगे। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे पका हुआ केले का पल्प, है ना, गूदा डालेंगे और इसमें लगभग 1 दर्जन केले का गूदा इसमें डालना है और इसको अच्छी तरह से दबाते हुए गूदा को और उसमें मिला देना है। दोनों हाथों से मिलाइए, उसको मिलाइए। अब ये आप देखिए कि ये 250 ग्राम गुड़ है जिसको आप लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं। और इसमें एक सावधानी आपको बरतनी है कि चूंकि गुड़ आप जो शक्कर यूज करते हैं तो कभी कभी उसमें चींटी भी रहता है या कीड़े रहते हैं, तो उसको पहले आप थोड़ा सा पानी में डाल के उसको भिंगो दीजिए और छान लीजिए ताकि उसमें किसी भी तरह का अवशिष्ट पदार्थ उसके अंदर ना जाए। अब जितना चीज़ हमने इसमें डाला है इसको अच्छे तरह से दोनों हाथों से मिला देना है, बढ़िया से अच्छे से। तो एक भाग ये हो गया। दूसरा भाग हमने पहले गाय का गोबर और घी था। 4 दिनों तक दोनों को अलग अलग रखेंगे। गोबर और गाय का घी जो मिला करके एक पात्र में हमने रखा है उसको 4 दिनों तक अलग जो है हम रखेंगे और इसको भी 4 दिनों के लिए अलग रखेंगे। 5वां दिन फिर क्या करेंगे कि दोनों को हम मिला देंगे, इसी में डाल देंगे और उसको अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे एक बड़ी लकड़ी छड़ी से, घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। 5वां दिन हम दोनों को मिक्स कर देंगे और फिर उसको छोड़ देंगे हम 15 दिनों तक। कहाँ से रखेंगे? ठंडे जगह पर जहाँ धूप नहीं आती हो, और इसके मुंह को एक सूती के कपड़े से ढक देंगे या बांध देंगे। और प्रत्येक दिन 15 दिनों तक जो रखेंगे तो प्रत्येक दिन हमको 3 बार सुबह दोपहर शाम छड़ी से इसको घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में अच्छी तरह से मिला देना है ताकि ऊपर और नीचे का हिस्सा अच्छी तरह से मिल जाए। तो 4 और 15, 19 दिन, 15 दिनों के बाद, मतलब मिलाने, दोनों के मिक्सर को मिलाने के 15 दिनों के बाद हम फिर सूती वाली कपड़े से की मदद से इसको हम छान के अलग कर लेंगे। अब उस पंचगव का हम छिड़काव करेंगे। कैसे छिड़काव करेंगे उसके लिए भी तरीका है। छिड़काव अगर आपको करना है तो 3% यानी 1 लीटर पानी में 30 ml, 30 मिलीलीटर पंचगव को आप 1 लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करेंगे। फसल की बढ़वाड़ के हिसाब से आपको पानी की मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर फसल आपका छोटा है तो 100 से 150 लीटर में ही आपके पूरे खेतों में 1 एकड़ में छिड़काव हो जाएगा। अगर फसल ज़्यादा घना है तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि
पंचगव को अगर छिड़काव के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 30 मिलीलीटर पंचगव को मिला करके छिड़काव करेंगे, और कम से कम आपको 2 छिड़काव करने चाहिए, एक फूल लगने से पहले और एक फूल लगने के बाद, सभी पौधे सभी फसल में।